विजयनगर के महाराज विद्याधर और महारानी केतकी दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनके मंत्री सारंगा के कहने पर दोनों वन देवी की पूजा करने इच्छा वन जा पहुँचे, जहाँ पूजा करने से लोगों की हर इच्छा पूरी होती थी। पूजा करते करते कई दिन और महीने बीत जाते हैं। आखिरकार दोनों की प्रार्थना से वन की देवी प्रसन्न हो जाती है। मैं तुम्हारी समस्या जान गई राजन। आज से कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारे महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म होगा, मगर उसमें एक कमी होगी। कमी? कैसी कमी देवी? उसे हर रोज नए वस्त्र पहनना बहुत पसंद होगा, जिसकी इस आदत से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें संतान चाहिए? देवी, इतनी बड़ी खुशी के साथ थोड़ी सी तकलीफ मिलती भी है तो कोई बात नहीं। तथास्तु। देवी के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिन के बाद ही राजमहल में किलकारी गूंजी। बधाई हो महाराज, लड़की हुई है। मेरी प्यारी बिटिया। सुनो सुनो सुनो। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, पूरा राज्य राजा की खुशी में दिवाली की तरह जगमगा उठा। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे राजकुमारी चित्रलेखा और भी सुंदर होती गई। इसको सर पर रखे रहने से आपका सर दुख गया होगा। थोड़ी देर से मैं पहन लेती हूँ। जी राजकुमारी जी, अति सुंदर। अरे ये क्या? रंग सहेज के रखने की नहीं, उड़ाने की वस्तु होती है। अच्छे लग रहे हो। मेरा आज का विशेष वस्त्र कहाँ है? ये रहा राजकुमारी जी। हाँ? ये क्या? राजकुमारी चित्रलेखा ऐसा साधारण वस्त्र पहनेगी? मेरे कहने के बाद भी आपने इस पर हीरे नहीं लगाए, और इसमें सुनहरे फूलों की कारीगरी कहाँ है? माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हम मंत्री जी के पास गए थे, मगर हमें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिली। कुछ समय के लिए आप इनमें से कोई वस्त्र पहन लीजिए। राजकुमारी चित्रलेखा जो एक बार वस्त्र पहन लेती है, उसे दोबारा हाथ तक नहीं लगाती, और आप पहनने की बात कर रही हैं। राजकुमारी के रत्नों से जड़ित कपड़े बढ़ते गए और राजकोष खाली होता गया। जैसे जैसे चित्रलेखा बढ़ती गई, वैसे वैसे देवी की महाराज को दी गई चेतावनी सच होती दिखती है। राजकोष खाली है? महल में आपके रहते इतने सैनिकों के रहते इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को खबर नहीं। जल्द से जल्द वो अपराधी हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। महाराज महाराज, क्षमा कीजिएगा, मगर ये किसी चोर का कार्य नहीं। सारा कोष राजकुमारी के वस्त्र बनवाने में समाप्त तो हो गए। क्या? वस्त्र बनवाने में? जी महाराज, ये राज्य के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। मैंने आपको सूचना देने की कोशिश भी की, मगर आप हर बार यही कहकर सुनने से इनकार कर देते कि राजकुमारी को जो चाहिए दे दिया जाए। तो गलत क्या कहा? शांत राजकुमारी, इस तरह बात नहीं करते। ये मत भूलो कि हमें तुम्हारे साथ साथ हमारी प्रजा का भी ध्यान रखना पड़ता है।
पूरा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। समस्या गंभीर देख महाराज को एक उपाय सोचता है। राजा देवी से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल में आया। हे देवी, मदद करें, आपकी शरण में आया हूँ। दया करें देवी। मुझे तुम्हारे आने का कारण ज्ञात है राजन। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मगर तब तुम नहीं माने। क्षमा देवी, अभी हमारे साथ साथ हमारा पूरा राज्य संकट में आ गया है। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी सहायता में मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं हर रोज राजकुमारी के लिए अलग अलग वस्त्र भेज सकती हूँ। क्या सच में? धन्यवाद देवी। लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी, इसकी भी एक शर्त है। जिस दिन भी तुमने किसी से मेरे दिए गए वस्त्र बदले, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। तथास्तु। अगले दिन से ही रोज राजकुमारी के लिए नए नए वस्त्र प्रकट हो जाते और उन्हें पहन पहन कर वो बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही दिन महीने ऋतु बदलते गए मगर नहीं बदला था तो राजकुमारी का चंचल मन। राजकुमारी कुछ समय देवी के वस्त्रों को पहनने के बाद उनसे बोर होने लगी और समय के साथ साथ देवी से किया गया अपना वादा भी भूल गई। अति सुंदर, मैं सुंदर ही हूँ। कौन है ये सुंदरी? हाँ, कोई भी हो मगर राजकुमारी से सुंदर नहीं हो सकती। पर मुझे क्या? अरे राजकुमारी तो है ही सुंदर, उनके पास कीमती वस्त्र है, आभूषण है, मगर ये तो इन साधारण कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने दिव्य कपड़े पहने हैं, देवी के दिए हुए आभूषण भी पहने हैं, फिर ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? लगता है इसके वस्त्र में ही कोई बात है और धरती के सबसे सुंदर वस्त्र सिर्फ मेरे पास होंगे। अरे जरा सुनो। अरे राजकुमारी यहाँ? हाँ? प्रणाम राजकुमारी जी। देखो मुझे आगे मेले में जाना है और अगर वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे इन वस्त्रों के बदले में तुम अपनी साड़ी मुझे दे सकती हो क्या? मेरी साड़ी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये मैं कहाँ आ गई? हाँ? मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मेरे दिए गए वस्त्रों को किसी और से बदल के मेरी आज्ञा का अनादर किया है, इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ये मुझसे क्या पाप हो गया? मुझे माफ कर दीजिए देवी। यहाँ आज्ञा न मानने की कोई माफी नहीं। तुम्हें तत्काल इस लोक को छोड़कर जाना होगा। कीजिए देवी। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.